नमस्कार, स्वागत है आपका। सुराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आज के हमारे इस खास डिबेट में मुद्दा रायपुर की सफाई व्यवस्था का। देश के साफ शहरों की सूची में रायपुर अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाया है, जिससे राजधानी के सफाई सिस्टम और नगर निगम के कामकाज पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और निजी कंपनी को शहर की सफाई का जिम्मा सौंपने के बाद भी राजधानी का कचरा साफ नहीं हो पा रहा। शहर के 70 वार्डों में से कुछ वार्डों को छोड़कर सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो रहा है, लेकिन गैर जिम्मेदार रवैये के चलते राजधानी का सिस्टम अब तक संभल नहीं पाया। इस मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे हमारे इस खास पेशकश जिम्मेदार कौन में। छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के बाद भी रायपुर में चारों ओर कचरा और गंदगी दिखना अब आम बात हो गई है। नगर निगम का सफाई अमला रोज डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करता है, लेकिन फिर भी लोगों को कचरे का सामना करना ही पड़ता है। रायपुर में रोजाना 550 टन कचरा निकलता है, लेकिन निगम प्रशासन का मानना है करीब 100 टन कचरा रोजाना ही शहर में सड़ने के लिए छूट रहा है, क्योंकि निगम के पास परिवहन के माकूल इंतजाम नहीं है और मॉनिटरिंग भी नहीं है। कचरा नष्ट करने का सिस्टम ही नहीं बन पाया। जब स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने राजधानी के इस हालातों की वजह से पड़ताल की तो और भी कई खामियां सामने आई। इस वक्त हम लोधीपारा में मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं ये कचरे का बना टीला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दमघोटू बदबू है, बजबताता नाली है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ जो डोर टू डोर कलेक्शन का कचरा गाड़ी है वो कभी कभी आता है और कभी नहीं आता, इसके वजह से हम कचरा यहाँ पे डालने को मजबूर हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, जानवर पन्नी को पॉलीथीन को खा रहे हैं, तो उनके लिए कितना नुकसानदायक है। उसके बावजूद निगम का दावा है कि हम 100% कलेक्शन कचरे का कर रहे हैं, तो ये कचरा आखिर आ कहाँ से रहा है, बड़ा सवाल ये है। तो इस तरह से जो लापरवाही बरती जा रही है और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। राजधानी में रोजाना औसतन 550 टन कचरा निकल रहा है, लेकिन नगर निगम के सर्वे में यह बात सामने आई कि यहाँ काम कर रही सफाई कंपनी रोजाना औसतन 550 टन कचरा ही उठा पा रही है। इस तरह रोज करीब 70 से 100 टन के आसपास कचरा शहर में ही पड़ा रह जा रहा है और सफाई के लिए चुनौती बना हुआ है। नगर निगम ने पड़ताल शुरू कर दी है कि किन किन वार्डों में 100% डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और परिवहन नहीं हो पा रहा है। नगर निगम कमिश्नर शिव अनंत दयाल के मुताबिक अब कचरा फेंकने वालों पर 3,000 दंड लगाया जा रहा है और अब तक 70,000 से ज्यादा दंड राशि भी वसूली जा चुकी है। सार्वजनिक जगहों पर कलेक्शन के लिए 9 करोड़ प्रति महीने की लागत की योजना को MIC ने पास कर सरकार को भेजा है। देखिए, हमारा नगर निगम से बहुत व्यय होता है सफाई की व्यवस्था के लिए, परंतु कई बार देखा जाता है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोग कचरा फेंक रहे हैं या फिर जो नियम है उसका पालन नहीं हो रहा। तो हमने कभी मुहिम छेड़ी है, कभी जोन्स को इंस्ट्रक्शन दी है कि आप अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर बड़ा कॉलोनी हो, जहाँ पे भी सफाई के नियम का पालन नहीं हो रहा वहाँ पर जुर्माना लगाया जाएगा। इधर विधायक कुलदीप जुनेजा ने भी माना है कि कचरा उठाने में देरी हो रही है, जिसके कारण सड़क चौक चौराहों पर भी कचरा फैल रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक पानी की तरह पैसा बहाना बेकार है। कोशिश करते हैं हमारे यहाँ के सभी जन, जितने कर्मचारी भी हैं नगर निगम के, सब काम करते हैं, लेकिन अब रोजमर्रा काम है। कभी एक आध दो दिन आगे पीछे हो जाता है, छुट्टी के दिन आगे पीछे हो जाता है, बरसात के कारण थोड़ा सा नालियों के कचरे निकाल के गीला करके छोड़ देते हैं। तो अभी जो भी कचरा है मैं कल सब अधिकारियों को और निर्देशित करूंगा, जो भी यहाँ के मेट है, टाइमकीपर है, कल जितना भी कचरा पड़ोस तो उनसे कहूंगा कि जल्दी जल्दी कचरा को उठा दो। तो गंदगी जब तक पब्लिक सरकार को सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, चाहे उसमें करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता। कचरा उठाने वाले आते हैं, उसके आने से पहले और उसके जाने के बाद वैसी का वैसी हो जाता है, जहाँ का वहाँ हो जाता है, क्योंकि सारी पब्लिकें तो गंदगी ही फैलाती है ना, सफाई कोई करना नहीं चाहता।
कूड़े कचरे के सही तरीके से निपटारा नहीं होने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि मच्छर मक्खियों और चूहों से घर और बाहर के लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। सत्यराज, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं पुलक भट्टाचार्य, अपर आयुक्त निगम, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, नगर निगम सभापति रविकांत कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। पहले मैं भट्टाचार्य साहब के पास आऊंगा। सर, शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार है, कचरे फैले हुए हैं, कौन जिम्मेदार है? प्रफुल्ल जी, देखिए रायपुर नगर निगम द्वारा जो कचरा सफाई का पूरा सिस्टम बनाया गया है, उसमें रामकी कंपनी को ये काम दिया गया है कि वो डोर टू डोर कचरा के कलेक्शन करें, और करीब करीब आज की स्थिति पे हम हर घर से कचरा कलेक्ट कर रहे हैं। परंतु उसके बावजूद हम अभी भी पूरी तरह से, ये सच है कि हमको जो हमारा मूल लक्ष्य है वो डस्टबिन फ्री बनाना है शहर को, परंतु डस्टबिन फ्री हम पूरी तरह से नहीं बना पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलोनीज से लोग कचरा निकाल के नहीं देते हैं और वो डस्टबिन में ही डालना पसंद करते हैं अभी भी। लेकिन धीरे धीरे हमने सबसे पहला कदम अभी पिछले 2-3 दिन में ये उठाया है कि हम पूरे शहर के सारे डस्टबिन को चिन्हांकित कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर डस्टबिन रखे गए हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर हम शहर के सारे डस्टबिन हटा लें, ताकि जो भी कचरा डस्टबिन में जाता है, क्योंकि आप जो भी कचरा हमको अभी वीडियो पे दिखा रहे हैं टीवी पे, वो सारे डस्टबिन के नियर अबाउट के कचरे हैं। तो अगर ये डस्टबिन हट जाएंगे तो वो कचरा निश्चित रूप से मशीन पे, गाड़ियों पे उठ करके जो हमारा सकरी स्थित इस डेस्टिनेशन है वहां पर भेजा जाएगा। तो हमारी पूरी अभी कोशिश लगी है, और हम फाइन करना इसमें, जैसे अभी आपको हमारे एक सफाई कर्मी ने कहा कि लोग जो है जागरूक नहीं है और वो सफाई कचरा फैला देते हैं सफाई के बावजूद, तो हम फाइन का एक बहुत बड़ा अभियान हमने प्रारंभ किया है, और पिछले 4-5 दिन में हर दिन कम से कम 300 से 400 फाइन हर जगह हम कर रहे हैं। तो ये फाइन का अभियान ये और बढ़ेगा, और खुले पे शौच करना, कचरा फैलाना, और यहाँ तक हम रोड पे जो थूकने वाले लोग हैं उन पर भी हम फाइन करने के लिए अभियान चलाने वाले हैं, ताकि ये सारी चीजें जो है कचरा फैलाने की, क्योंकि एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिस पर सबको विचार करना चाहिए, तभी हमारा। कमिश्नर साहब ने तो बोल दिया ना कि अगर कोई कचरा फैलाता है सड़क पर तो उस पर 3,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा, उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है राजधानी रायपुर में? बिल्कुल बिल्कुल असर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो हम फाइन कर रहे हैं इस पर, अब हमको शुरू में 2-3 दिन हमारे पास कोई फोन नहीं आया, परंतु अब लगातार सब जगह से ये आ रहे हैं कि आप लोग फाइन कैसे कर रहे हैं करके। अभी तक ये फाइन की चीजें नहीं होती थी, अब लगातार फाइन हो रहे हैं, और हमारे हर जोन पे सभी जितने हमारे अधिकारी हैं वो फाइन पे पूरा फोकस किए हुए हैं, ताकि लोग जो हैं जिस तरह से ट्रैफिक पे फाइन होता है उसी तरह से अब सफाई पे फाइन होगा, और उसके बाद ही आपको अंतर बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा मूल उद्देश्य फाइन करना नहीं है, हमारा मूल उद्देश्य जनता को इस बात पे जागरूक करना है कि वो रायपुर को अपना समझे और कचरा बाहर फेंकना बंद करें, और अपने घर से ही सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग करके हमको, हमारी गाड़ियों को जो है उस गाड़ियों का, हमारी अभी एट प्रेजेंट 250 गाड़ियां चल रही हैं जो पूरे शहर से कचरा लेकर जाती हैं। तो लोग कचरा अगर फेंकना बंद कर देंगे तो ऐसी स्थिति पे बहुत सारी चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। जी, ऐसी बात है कि आप ये कबूल कर रहे हैं कि आप अभी तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचे, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रफुल्ल विश्वकर्मा हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से लगातार नगर निगम के सभापति बने हुए हैं, प्रफुल्ल जी के पास आना चाहूंगा। प्रफुल्ल जी, आपको लगता है कि वाकई में रायपुर की जनता में अभी जागरूकता का अभाव है, जिसके चलते जगह जगह रायपुर गंदगी के अंबार रायपुर में लगे हुए हैं राजधानी में?
मैं पुलक भट्टाचार्य जी के बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। उनका यह कहना कि रायपुर शहर के नागरिक जागरूक नहीं है, मैं बताना चाहूंगा कि रायपुर शहर के नागरिक पूर्ण रूप से जागरूक हैं। रायपुर शहर यदि ODF फ्री हो गया है, खुले से शौच मुक्त हुआ है, तो रायपुर शहर के नागरिकों के जागरूकता के कारण ही हुआ है। अन्यथा खुले में शौच आज भी होते, रायपुर शहर ODF फ्री है। और उनका यह कहना कि रायपुर के नागरिक जागरूक नहीं है, पूर्णतः गलत बात है। बल्कि मैं यह कहूंगा कि नगर निगम में जो स्थानीय सरकार बैठी है, जो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी जो महापौर बैठे हुए हैं, वो जागरूक नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं है, उनकी नीति ठीक नहीं है, जिसके कारण आज शहरों में कचरे का अंबार दिखता है। पूरा रायपुर शहर कचरों से पटा पड़ा रहता है। रायपुर शहर में डोर टू डोर कलेक्शन यदि ठीक से होता तो सड़कों में कहीं पर कचरे दिखाई नहीं देते। इसलिए बात प्रमाणित करता है कि डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ही नागरिकों के घर का कचरा सड़कों में डस्टबिन के आसपास दिखाई दे रहा है। नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है, डस्टबिन भर गया है, डस्टबिन के बाहर में भी कचरे पड़े हुए। ऐसी स्थिति में नगर निगम की मूल जिम्मेदारी बनती है कि रायपुर शहर को स्वच्छ और साफ रखना। पुलक जी, 70 वार्ड है राजधानी में, लेकिन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन 70 वार्डों से क्यों नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट की ये भी साफ साफ निर्देश दे दिए हैं कि नगर निगम खुद जिम्मेदारी संभालेगा शहर की साफ सफाई की। आखिर क्यों सर ये सब नहीं हो रहा? पुलक जी देखिए, हमारी डोर टू डोर कलेक्शन करने की हमारी जिम्मेदारी है, और एट प्रेजेंट हमारी जो राम की कंपनी जो यहाँ लगी हुई है उसकी 250 गाड़ियाँ डोर टू डोर कलेक्शन कर रही हैं। इसके बाद भी यहाँ लगा कि गाड़ियों की संख्या कम है, तो ऐसी स्थिति पे और भी गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ राम की कंपनी ने और बढ़ाई हैं। इस तरह से अब कुल 300 गाड़ियों से कचरे का कलेक्शन डोर टू डोर किया जाएगा। यहाँ पर एक और बात आई थी कि जो सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट होते हैं वो सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट कम है, जिसके कारण एक फेरा लगने पे ज्यादा टाइम लगता था। उस टाइम को भी कम करने के लिए सेकेंडरी पॉइंट्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सेकेंडरी पॉइंट जैसे ही बढ़ जाएंगे तो फेरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा जैसे ही हो जाएगी तो आपका जो कचरा जो है वो तेजी से निकलेगा। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि ये रायपुर शहर की जनता जो है वो बिल्कुल जिम्मेदार है कहा, और रायपुर ODF है, तो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि रायपुर एक ODF सिटी है, परंतु जो कचरे का जो कलेक्शन है, कचरा जो बाहर फेंकने की जो बात है, उसको हमको थोड़ा सा सुधारना जरूरी है। हमारे स्तर पर भी नगर निगम के कर्मचारियों को भी हम इस पर विशेष ये कर रहे हैं कि नगर निगम के कर्मचारी लगातार कचरा कलेक्ट करें, और हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि डस्टबिन को दिन में 2 बार साफ किया जाए। अभी डस्टबिन कहीं कहीं के डस्टबिन जो होते हैं वो एक बार खाली होते हैं, तो खाली होने के बाद में जब दोबारा उसको भर दिया जाता है तब लोग आसपास उसके सामान कचरा डाल के चले जाते हैं। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि डस्टबिन दिन में 2 बार साफ हो, और जैसे ही दिन में 2 बार साफ होंगे, और उस इससे पहले हमारा एक लक्ष्य और है कि हम डस्टबिन हटाना ही चाहते हैं, ताकि शहर में डस्टबिन ही न रहे। तो ऐसी स्थिति पे जो कचरा बाहर फेंका जाता है वो कचरा फेंकना ही बंद हो जाए, आपको बहुत जल्दी इसमें परिणाम दिखाई देगा। ठीक है, और हम निश्चित तौर पे राहुल जी के पास आना चाहूंगा। राहुल जी, अपर आयुक्त निगम कह रहे हैं सुविधाओं का अभाव है, गाड़ियां पूरी नहीं है, हर महीने करोड़ों रुपए नगर निगम पर खर्च होता है, उसके बावजूद भी प्रफुल्ल जी आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सुविधाओं का अभाव है, गाड़ियां प्रॉपर नहीं है, जिस तरह से गंदगी का अंबार रायपुर शहर में फैला हुआ है? देखिए पुलक भट्टा जी, तर्जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि गाड़ियां कम है, और जिस कंपनी को काम दिए हैं प्रॉपर नगर निगम की तरफ से उस पर मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। कंपनी स्वयं अपना आकलन कर रही है, कंपनी को वहां पर ट्रेंचिंग ग्राउंड पे जहां पे कचरे लेके जा रहे हैं उसको अलग अलग कचरा लेके जाना था। हमने प्रचार प्रसार किया कि सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, पर आप देखेंगे कि दोनों कचरे को एक ही गाड़ी में एक ही जगह रख करके लेके जाया जाता है। और तो और जहां पे ट्रेंचिंग ग्राउंड है, जहां सकरी में इतना बड़ा प्लांट लगना था, वह प्लांट भी आज तक नहीं लगा, और वहां पर भी जिस तरह से
सरोना में आप कचरे का ढेर दिखाई देते हैं, अगर वहाँ पे प्लांट प्रारंभ नहीं हो पाया तो वहाँ पर भी कचरे का ढेर दिखाई देगा और आसपास के गांव के लोगों का विरोध भी प्रारंभ हो गया, क्योंकि आसपास गंदगी फैल रही है। आसपास एक जगह हम शहर के वार्डों से कचरा को उठा करके दूसरे जगह में नगर निगम की सीमा में ले जाकर कर वहाँ पे डंप करेंगे तो आसपास वहाँ पर भी गंदगी बड़ी बड़े पैमाने में फैलेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि कचरों का निष्पादन बहुत ज्यादा जरूरी है। कचरों को आज जिस वैज्ञानिक ढंग से पृथक पृथक करके उसका निपटारा करना है, अगर वो निपटारा अगर नहीं कर नगर निगम नहीं करता है, बाध्य नहीं करता कंपनी को, तो आप जो शहरों में सड़कों में जो स्थिति देख रहे हैं कचरे की स्थिति वही देखेगी। इसलिए मैंने कहा कि नीति और नियत दोनों स्पष्ट होना चाहिए और दोनों स्पष्ट नहीं होने के कारण यह स्थिति आ रही है। इसके पहले हमने रामकी कंपनी के पहले किवाड़ कंपनी को जब काम दिया था तो किवाड़ कंपनी को डोर टू डोर कलेक्शन भी काम दिया था और जो नालियों से जो कचरा निकल करके जो स्वीपर जो कहीं पे चौक चौराहों में ले जाके इकट्ठा करते हैं वहां से नगर निगम की गाड़ी आती है उसको भर करके ले जाती है। आज स्थिति ये आई है कि फिर से उस काम को भी एक कंपनी को देने का काम प्रारंभ करने जा रहा है। अगर दोनों काम एक ही साथ में कर दिया जाता तो ये शहर के चौक चौराहों में मुक्कड़ जो दिखाई देती है वो मुक्कड़ कहीं नहीं देता। और आवश्यकता इस बात से है कि डोर टू डोर कलेक्शन प्रॉपर होने लगे, जिस कंपनी को काम किए दिए हैं उस कंपनी के पास पर्याप्त संसाधन होना चाहिए। अभी स्वयं स्वीकार कर रहे थे कि उस पर गाड़ियों का अभाव है, ऐसी स्थिति में नगर निगम की गाड़ी भी उसको देने की बात यहाँ पे चल रही है। अगर नगर निगम डोर टू डोर कलेक्शन करने लगे तो यहाँ पर के नागरिक यूजर चार्ज देने को भी तैयार है। यूजर चार्ज इसलिए नहीं दे रहे हैं लोग कि कंपनी का कचरा गाड़ी उनके घरों तक नहीं आ रहा है, और ऐसी स्थिति में जब कंपनी के लोग नगर निगम के लोग उसके घर में डोर टू डोर कलेक्शन का चार्ज लेने जा रहे हैं यूजर चार्ज, तो नागरिक भी यहाँ पर यूजर चार्ज देने से मना कर रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि डोर टू डोर यदि हम अच्छे से काम करा लिए, जिस कंपनी को काम दिए प्रॉपर मॉनिटरिंग नगर निगम का करने का काम है, वो प्रॉपर मॉनिटरिंग यदि कर देगा डोर टू डोर कलेक्शन हो जाएगा तो न तो नालियों में कचरा आएगा, न तो मुक्कड़ों में कचरा आएगा, न ही डस्टबिन में कचरा आएगा और आपको रायपुर शहर साफ सुथरा दिखाई देगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविकांत कौशिक, आपके पास रविकांत जी माना चाहूंगा। पुलक भट्टाचार्य को भी आपने सुना, साथ ही प्रफुल्ल विश्वकर्मा को भी आपने सुना। क्या लगता है रायपुर में जो गंदगी का अंबार है, जगह जगह गंदगी के ढेर देखे जा रहे हैं, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो रहा है, कौन असली जिम्मेदार आपको लगता है रविकांत जी? स्थानीय प्रशासन के अलावा और कोई नहीं, जनता भी जिम्मेदार है जी, स्थानीय प्रशासन भी जिम्मेदार है। सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात यह है कि भाई भाजपा से हैं साहब अधिकारी हैं, रायपुर में मैं 2001 में आया हूं तब से मैं एक चीज सुनते रहा हूं कि रायपुर शहर को स्मार्ट बनाएंगे, धूल धुआं मच्छर युक्त बनाएंगे। भाजपा और कांग्रेस के दोनों के महापौर रहे हैं और आज भी कांग्रेस के महापौर हैं और भाजपा के पार्षद भी बहुत सारे मात्रा में हैं और वही प्रशासक भी हैं। ये बताएं कि रायपुर को धूल धुआं मच्छर मुक्त बनाने में इनकी नियत है या नहीं, या कब तक करेंगे? और ये बहुत सारी बातें जो आंकड़ों में जो साहब जो खेल रहे हैं, ठीक है कुछ आंकड़ों से मैं इनकी सहमत हूं, परंतु ये क्या इसके पीछे कारण और भी है? क्या है, रायपुर बेतरतीब बसाहट है और रायपुर के बसाहट को लेकर के अपेक्षित रूप से किसी प्रशासक ने नहीं ध्यान नहीं दिया और यहाँ के राजनीतिज्ञों ने ध्यान नहीं दिया, उसके कारण से बेतरतीब बसाहट और अतिक्रमण और उसके कारण से जो व्यवस्था जहां पर होनी चाहिए वो ईमानदारी से अपेक्षित व्यवस्था नहीं है। इसलिए इधर जो पहल करते हैं कागजों से लेकर मैदानी अमले तक उसका रिजल्ट 50% आता है और इधर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चलती है और राजनीतिक विरोध का जो भावना होती है उसके कारण से वो बहुत भारी रूप से विरोध का कारण जो है वो दूसरी दिशा में जाता है। मैं तो चाहूंगा कि रायपुर शहर हो या किसी भी शहर के विकास के मामले में या उसकी व्यवस्था के मामले में राजनीति से ऊपर उठ करके ईमानदारी से अपेक्षित पहल होनी चाहिए और अगर ईमानदारी से अपेक्षित पहल नहीं होगी तो जनता टैक्स देने को तैयार रहती है परंतु जनता को जब सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर जनता क्या करेगी? ये तो कचरे और गंदगी की बात है जी। मैं तो वो कह रहा हूँ कि इस रायपुर शहर की आबादी की 60% आबादी को अपेक्षित शुद्ध, मैं कह रहा हूँ लाइन, कि अपेक्षित शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है क्या?
निगम की नेतागिरी करते हुए 20 साल हो गया इधर, और साहब को अभी अफसरी करते हुए कितने साल हो गया आप साहब बताएं, ये बताएं कि रायपुर में जब आप जो पेयजल जैसी चीज को लेकर के आप इतने गंभीर नहीं है तो बाकी चीजों पे क्या होंगे। पानी मिल रहा है परंतु मैं कह रहा हूं कि कहीं पर भी शहर में वो चेकिंग व्यवस्था नहीं है कि पानी कितनी क्वालिटी में कितनी गुणवत्ता के साथ में जा रहा है। टंकी से लेकर आखिरी तक इस मामले पर भी नगर निगम को ध्यान देना चाहिए और नगर निगम के राजनीति करने वाले भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट से आप भी प्रभावित होते हैं और हम जो चैनल में आपके सामने बैठ करके बोल रहे हैं मैं पत्रकार भी प्रभावित होता हूं। तो ये इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहिए, ये हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है और हमको इस संवैधानिक जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए। मैं इस पर राजनीतिक नहीं करना चाहता और राजनीतिक रूप से इसको देखना भी नहीं चाहिए, परंतु अगर जिनकी जवाबदारी है अगर वही अगर वो काम को नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जन आक्रोश आएगा। और वही कारण है कि आज 20 साल हो गया रायपुर को नई राजधानी बन गई, 20 साल राजधानी होने के बाद वो नारा जहां का तहां खड़ा है कि धूल धुआं मच्छर मुक्त रायपुर कब बनेगा। निश्चित रूप से आपकी बात बता दें, महापौर सुन रहे होंगे, महापौर बता दें, सभापति बैठे हैं वो बता दें, इधर प्रशासक महोदय बैठे हुए ये बता दें कि रायपुर शहर आपका अपना शहर धूल धुआं मच्छर मुक्त आखिर कब तक बनेगा। निश्चित रूप से और रायपुर शहर की जनता जिसे अपेक्षित शुद्ध जल कब तक उपलब्ध होंगे ये बता दें। बड़ी आबादी को मैं सीधे कह रहा हूं और कहीं सिस्टम नहीं है नगर निगम में कि पानी की गुणवत्ता पानी टंकी से लेकर के जो घर तक जा रही है उसकी चेकिंग प्वाइंट कहां कहां पर है, ना प्रशासक बता सकते हैं, ना प्रशासन नगर निगम की राजनीति करने वाले महापौर बता सकते हैं, और ना कोई पार्षद बता सकता है रायपुर का। निश्चित रूप से आप एकदम सही बात कर रहे हैं जनता। पुलक भट्टाचार्य के पास आना चाहूंगा, अभी आप हाथ उठाकर कुछ कहना चाह रहे थे। पुलक जी अभी आप हाथ उठाकर अभी आप चर्चा में हाथ उठा रहे थे, कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए उसके बाद रविकांत कौशिक जी की बात का जवाब दीजिए कि धूल धुआं और प्रदूषण मच्छर मुक्त रायपुर कब बनेगा। पहले आप अपनी आप बात पूरी करें उसके बाद जवाब। मैं अपनी एक बात रखना चाहता था कि जो राम की कंपनी की बात हुई थी जी, जो प्रोसेसिंग प्लांट बनने का है तो प्रोसेसिंग प्लांट बनने का कार्य प्रारंभ हो चुका है और वो 31 दिसंबर तक प्रोसेसिंग प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। जहां तक दूसरी बात है कि सेग्रीगेटेड कचरा, तो जो हमारी जितनी गाड़ियां चलती है उन सभी गाड़ियों में दो खंड होते हैं जिसमें एक में गीला कचरा और एक में सूखा कचरा ले जाया जाता है। तो करीब करीब सभी प्रोसेस ये है कि शुरू से ही सेग्रीगेट हो जाए और उसके बाद भी जो समय का अभाव है पुलक जी उसका अभाव है। अब आप ये बताइए कि धूल धुआं और मच्छर युक्त रायपुर कब तक बन जाएगा, अपर आयुक्त निगम है आप। मैं लास्ट आपको एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि हम अभी 500 टन जैसा कि आपने स्टार्ट में ही कहा कि हम 500 टन कचरा प्रतिदिन उठा रहे हैं और 150 टन कचरा नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमको पॉजिटिव भी ये सोचना चाहिए कि हम 500 टन कचरा उठा रहे हैं और बहुत जल्दी जैसा ही हम ये 150 टन कचरा जिसको हमको कहा जा रहा है कि हम नहीं उठा पा रहे हैं, अगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको बहुत ही जल्दी इस पर रिजल्ट मिलेगा और हम आपको प्रफुल्ल जी के पास आना चाहूंगा। प्रफुल्ल जी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, आपको नहीं लग रहा कि रायपुर में पलीता लगाया जा रहा है? देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपया नगर निगम को मिल रहा है किंतु वह जिसमें धरातल में दिखाई देना चाहिए, जमीनों में दिखाई देना चाहिए, वो केवल नारों में दिख रहा है। आप शहर के चौक चौराहों में चले जाए, एक तरफ मुक्कल में आपको ढेर सारे कचरे दिखाई देंगे, उसी के ठीक ऊपर में महापौर जी की बड़ी बड़ी फोटो और उनके मंत्री की फोटो लगी हुई दिखेगा कि स्वच्छ रायपुर स्वस्थ रायपुर का केवल नारा और केवल इस तरह के होर्डिंग लगाकर रायपुर शहर को स्वच्छ और स्वस्थ दिखाना चाहते हैं। यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, समय आने पर उसको बताएगी और जिस तरह का काम नगर निगम के साथ चल रहा है
रहा है। रायपुर शहर की जनता काफी आक्रोशित है। अगर नगर निगम ने इस तरह के काम अगर ठीक से नहीं कर पाएंगे, ये क्यों पैसा जो है जनता का पैसा है। हालांकि केंद्र सरकार पैसा दे रही है, केंद्र सरकार भी जो पैसा दे रही है कहीं ना कहीं जनता का पैसा है, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। दुरुपयोग जहां पर होगा निश्चित रूप से जनता में आक्रोश होगा। और जैसा जी कौशिक जी कह रहे थे कि रायपुर शहर की जनता में बड़े आक्रोश है, और आक्रोश केवल इस सिर्फ दो बात से, अगर नगर निगम में दो काम को ठीक से कर दे तो यहाँ पे जनता में खुशी की लहर रहेगी, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी नगर निगम का। संक्षेप में छोटी सी प्रतिक्रिया, आपने प्रशासन को भी सुन लिया और इधर नेताजी बैठे हैं आपके बगल से, इनको भी सुन लिया, अब आपको क्या लगता है? एक छोटी सी सूक्ष्म प्रतिक्रिया रविकांत जी। अपेक्षित पहल करें साहब, और अपेक्षित पहल करने के लिए इनको बहुत बड़े मन और बड़े सोच के साथ कठोर फैसले करने पड़ेंगे, परंतु फैसला करना भर धरातल पर भी उतरना चाहिए, तब तो बात होगी। नहीं तो मैं जिन बिंदुओं पर उठाया हूँ वो बिंदु इस रायपुर शहर के लिए कितना महत्वपूर्ण है उसको सोच लें, क्योंकि उससे देवेंद नगर में रहने वाले ऑफिसर, कॉलोनी के ऑफिसर भी प्रभावित हैं, शंकर नगर में रहने वाले मंत्री भी प्रभावित हैं, उसके अलावा सिविल लाइन में रहने वाला मुख्यमंत्री निवास भी प्रभावित है। ये बात अलग है कि आप बाहर का आरओ का पानी या खरीदा हुआ पानी पी करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु नगर निगम की बड़ी जवाब